नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। आजमगढ़ में हार पर सपा का मंथन, चुनाव परिणाम के 30 दिन बाद अखिलेश ने की समीक्षा बैठक। 9 अगस्त से देश बचाओ पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में हार को लेकर शनिवार को बैठक की। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आजमगढ़ के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की 7 जिले के सभी विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। चुनाव परिणाम के करीब 30 दिन बाद सपा प्रमुख ने हार की समीक्षा बैठक शुरू की है। लोकसभा उपचुनाव परिणाम के 7वें दिन अखिलेश यादव ने रामपुर आजमगढ़ के जिला अध्यक्षों से समीक्षा रिपोर्ट भी मांगी थी। सपा की ओर से 9 अगस्त से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा निकाली जाएगी। अगस्त क्रांति के मौके पर समाजवादी पार्टी की पदयात्रा शुरू होगी। 9 अगस्त से 27 अक्टूबर तक यह पदयात्रा चलेगी। पहले चरण की पदयात्रा गाजीपुर से शुरू होकर बलिया में खत्म होगी। राष्ट्रपति चुनाव में सपा विधायकों द्वारा की गई क्रॉस वोटिंग भी काफी चर्चा में रही। बताया जा रहा है कि पार्टी इन विधायकों का पता कर रही है। अखिलेश समाजवादी पार्टी में बड़े एक्शन की तैयारी में है। राष्ट्रपति चुनाव के दिन 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर आई थी। तब शिवपाल सिंह यादव समेत 5 सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है। अब इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक कौन है, लेकिन पार्टी को कुछ नाम पता चले हैं जिन पर शक है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।